नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी एजुकेशन हम में। मैं हूँ सिद्धार्थ और मैं आज आपको कराऊंगा जनरल स्टडीज पार्ट 20। पार्ट 19 तक मैंने करा दिया है और जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का मैं हिंदी संस्करण भी लेके आया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन कराता हूँ एक पार्ट में, दो पार्ट मैंने करा दिए हैं तो 40 क्वेश्चन लगभग उसमें हो गए हैं। क्वेश्चन चेंज हैं लेकिन वो हिंदी में है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी सर हिंदी में कराइए, तो उस बेसिस पे मैंने हिंदी में कराना शुरू किया है। आपको अगर सहयोग मिलेगा तो आगे भी जारी रहेगी। और आपसे एक अनुरोध है, आप अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। आपका जो भी व्यू हो, जो भी आपका जो जो भी नज़रिया हो मेरे वीडियो से रिलेटेड, हमारे चैनल से रिलेटेड, तो आप जरूर लिखिए। चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फर्क उससे नहीं पड़ता। अगर आप अगर कुछ लिखेंगे तो हम उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बोनस क्वेश्चन था पार्ट 19 का, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द, जो बुद्ध भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत सारे मित्रों का सही आंसर आया है। आंसर सही है आपका सारनाथ बनारसी उत्तर प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। और देने वालों के नाम है मंजीत मोहन सुंडी, गौरव शर्मा, अंशिका तिवारी, संजीव राज, देव कुमार देवा, आशु यादव, जितेंद्र मिश्रा, दिवांकर पाठक, शुभम मिश्रा और ये आवारा गेमर। देखिए आप अगर आपका YouTube आईडी किसी भी नाम से बना है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपना सही नाम कृपया करके लिख दें क्योंकि ऐसे नाम आपका भी नाम नहीं हो पाता है और आवारा गेमर एक आपका चैनल का नाम है। आप अपना नाम कृपया करके अवश्य लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है राइबोफ्लोविन इज एन, राइबोफ्लोविन क्या होता है, राइबोफ्लोविन क्या होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं विटामिन, हार्मोन, फैटी एसिड या एंजाइम। विटामिन, हार्मोन, फैटी एसिड या एंजाइम। तो इसका सही उत्तर है विटामिन। राइबोफ्लाविन एक विटामिन है, B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लाविन नाम से जानते हैं। या विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी की एक विशेषता है ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। क्वेश्चन पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका एक तो B हो जाता है और एक C हो जाता है। विटामिन B और C दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली। निम्नलिखित में से कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग होता है। लेटेक्स क्या होता है पहले तो ये समझिए। देखिए लेटेक्स होता है एक चिपचिपा गाढ़ा दूध, चिपचिपा गाढ़ा दूध, चिपचिपा गाढ़ा दूध होता है। उसका कॉमर्शियली या वाणिज्यिक रूप से कहाँ पर प्रयोग होता है, कहाँ पर प्रयोग होता है, या वो वाणिज्यिक रूप से हमें कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन दे रखे हैं पपाया प्लांट, सियाल कांदा प्लांट, रबर प्लांट या बनियान ट्री। तो इसका सही उत्तर है रबर प्लांट। जो रबड़ का पौधा होता है, रबड़ का पेड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ का, उससे ही लेटेक्स प्राप्त होता है। लेटेक्स रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। देखिए रबड़ प्राप्त कैसा होता है, देखिए कोई पेड़ हुआ, कोई पेड़ है रबड़ का, वहां पर हम चीरा लगा देते हैं, जो उसका बक्कल होता है उसमें चीरा लगा देते हैं, नीचे एक बर्तन बांध देते हैं, जो रबड़ का जो दूध होता है कोलाइड जिसे बोलते हैं, वो गिरता है उस पॉट में, उस बर्तन में गिरता है, उसे ही हम लेटेक्स बोलते हैं। जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसे उससे हम रबड़ बना लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 है नेम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है या सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला कौन सा एम्प्लॉयर है। ऑप्शन दे रखे हैं इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसका शॉर्ट में बोलते हैं सेल, SAIL, सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। थर्ड नंबर पर पोस्ट एंड टेलीकॉम, दूर संचार विभाग और डाक विभाग, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं FCI, FCI, भारतीय खाद्य निगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय रेलवेज। देखिए भारतीय रेलवेज भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग है। लगभग 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन लोगों को इसने नौकरी दी है 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से। इंटरनेशनल रिपोर्ट है ये, कोई इंडिया की रिपोर्ट नहीं। 2015 के हिसाब से 1.4 मिलियन लोग रेलवे में काम करते हैं। अब यहाँ से अब आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एडिशनल क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें बाद में दुख का कारण बनते हैं। 1 मिलियन होता क्या है, 1 मिलियन में कितना क्या होता है। देखिए 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख के बराबर, 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख। 1.4 मिलियन को हम 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 14 लाख, 14 लाख लोग रेलवे में काम करते हैं,
14 लाख, 1.4 मिलियन। दूसरे नंबर पर आता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या सशस्त्र बल, जिसमें 1.3 मिलियन लोग काम करते हैं, लगभग 13 लाख लोग इसमें कार्य करते हैं। भारत की बात कर रहा हूँ, भारतीय रेलवे का अगर एम्प्लॉयर वर्ल्ड में बात करें तो 8वें नंबर पर आता है, 8वें, विश्व के 8वें नंबर का एम्प्लॉयर है भारतीय रेलवे। प्रश्न नंबर 4 है, द गैस डिजोल्व्ड इन वाटर दैट मेक इज एसिडिक एसिडिक इज, कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है, या कौन सी गैस जल में डाल दी जाए तो वो अम्ल बन जाता है। ऑप्शन दे रखे, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सूत्र हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलय हो जाती है या जल में घुलनशील है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील हो जाती है तो वो बना देती है कार्बोनेटेड जल, कार्बोनेटेड जल को कार्बोनेटेड बना देती है, कार्बोनेटेड बना देती है, जिसका सूत्र होता है H2CO3, H2CO3। अगर इक्वेशन की बात करूं तो मैं हो जाएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 हो जाएगा, जल होता है H2O। अब इक्वेशन आपकी बन जाएगी H2C सिंगल है, O3 हो जाएंगे, O3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनेटेड जल। अगर हम कार्बोनेटेड जल पी लेते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर, बदहजमी हो जाएगी हमारी, बदहजमी और डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, वेन साल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, अगर लवण को जल में मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, यह जल के क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो समझिए लवण क्या होता है, लवण होता है आपका नमक, साधारण सा नमक होता है, वो लवण होता है आपका एक तरह से लवण। अगर मैं क्वेश्चन को दोबारा से बोलूं, अगर हम नमक को जल में डाल दें और अगर हम उसे उबालें तो उसका क्वथनांक बिंदु होता है उबलने वाला बिंदु, वह बिंदु जिस पर द्रव उबलने लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देखे हैं, अनइफेक्टेड, कॉन्स्टेंट, इंक्रीज या लोअर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंक्रीज, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो बढ़ जाएगा कितना, बढ़ जाएगा वो कितना बढ़ेगा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, लवण की मात्रा पर, लवण की कौन सा लवण हमने मिलाया है। प्रश्न नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने काफी डिटेल में बताया है, अगर आप ने वीडियो देखा है वो तो आप इजीली बता सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, यूरिया, इंसुलिन, ग्लाइसिन और ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज होता है, साधारण सी चीनी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, जिसे हम बोलते हैं चीनी या फिर ग्लूकोज। ये आता है आपका मोनोसेक्राइड में, ये सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेक्राइड का मतलब हो गया एक अणु, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु जो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज दो टाइप का होता है, पौधों में जो पाया जाता है, जो पौधों में ग्लूकोज मिलता है उसे हम बोलते हैं स्टार्च, स्टार्च या फिर मंड, हिंदी में बोलते हैं मंड, स्टार्च या फिर मंड। और जो मानव शरीर में मिलता है, जंतुओं में मिलता है, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, 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 ध्यान रखिएगा। देखिए जो ग्लूकोज या जो कार्बोहाइड्रेट पौधों में पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं स्टार्च या फिर मंड। क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो जो ग्लूकोज या जो शर्करा आपके ह्यूमन इंसान के अंदर पाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्लाइकोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, विच सुल्तान रिसीव्ड अ रोब ऑफ ऑनर विद द कैलिफ, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था, या खलीफा की उपाधि किसे दी गई थी, अगर साधारण शब्दों में बोलूं, या खलीफा ने अपना सम्मान, खलीफा के सम्मान का वस्त्र किसे मिला था। ऑप्शन दे रखे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सर्वप्रथम खलीफा का सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था भारत में, उसे ही खलीफा की सम्मान वस्त्र का अवसर मिला था प्राप्त करने का। प्रश्न नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के मध्य नहीं है, या दो देशों के मध्य निर्धारित नहीं कर सीमा का निर्धारण नहीं करती।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल डेडलाइन। देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन से, इंटरनेशनल डेडलाइन से समय का निर्धारण होता है, ना कि किसी देश की सीमा का। इंटरनेशनल डेडलाइन है कहाँ से, है क्या? देखिए वह रेखा जिससे समय का निर्धारण किया जाए वह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहती है। भारत का समय वहां से कितना आगे है, ये क्वेश्चन बन जाता है। 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। अगर वहां पर 12 बजेगा तो भारत में बजेगा 5:30। ध्यान रखिएगा, वहां पर अगर इंटरनेशनल डेडलाइन पर 12 बज रहे हैं तो भारत में बजेगा 5:30। यह सब होता है अक्षांश और देशांतर से मैक मोहन रेखा, मैक मोहन लाइन की बात करें तो मैक मोहन लेना मैक मोहन लाइन भारत और चाइना के मध्य, भारत और चीन के मध्य, भारत और चाइना के मध्य। रेड क्लिफ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है। डूरंड लाइन की बात करें तो डूरंड लाइन भारत, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। प्रश्न नंबर 9 है, डेवेल्यूएशन इज मेजरली डन बाई, डिवेल्यूएशन इज मेजरली डन बाई, ऑप्शन देखे हैं। डिवेल्यूएशन क्या होता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, या अवमूल्यन हम क्यों करते हैं, कोई देश अवमूल्यन क्यों करेगा? ऑप्शन दे रखे हैं, इनकरेज एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज इंपोर्ट आयात को बढ़ावा देने के लिए, डिस्करेज इंपोर्ट आयात को कम करने के लिए, और इनकरेज बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आयात और निर्यात दोनों को बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर रहेगा आपका निर्यात को बढ़ाने के लिए। डीवैल्यूएशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लिए। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना, या अपनी मुद्रा की वैल्यू कम करना। जैसे मान लीजिए आज एक यूएस डॉलर आपका 100 रुपए के बराबर है, 90 का है, माफ कीजिएगा, 90 का अगर मान लेते हैं, 90 रुपए के बराबर है, 90 रुपए के बराबर है, हमने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया तो $1 हो जाएगा आपका 100 रुपए के बराबर, 100 रुपए के बराबर। यही अवमूल्यन होता है। ऐसा मुख्यतः निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके काफी दुष्प्रभाव पड़ते हैं, काफी खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि इससे जो आम जनता है उस पर भी महंगाई का बोझ होने लगता है, चीजें महंगी होने लगती हैं, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और महंगाई की दर बढ़ जाती है, आयात भी कम होने लगता है, आयात कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने हमारा हमारा देश हमारा देश आईफोन आईफोन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, हम बाहर से जब मंगाएंगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आयात भी बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5-ईयर प्लान, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन दे रखे हैं 10th, 11th, 12th और 9th। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11th, 11वीं पंचवर्षीय का योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास। ये लागू की गई थी 2007 से 2012 के मध्य, 2007 से 2012 तक के लिए लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विकास किया जाए, समावेशी विकास किया जाए, पूरे भारत में एक समावेशी वृद्धि करी जाए। बोनस क्वेश्चन है आज का, बोनस क्वेश्चन, किस देश की 3 राजधानियां हैं? विश्व का सिर्फ एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, वो बताना है आपको। और ये मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया अपना सुझाव व सलाह अवश्य दें। देखिए अगर सुझाव आपका फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, आपको वीडियो कैसा कैसा लगा, हमें क्या चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, आप लोग हमें बताएंगे, उसी से हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन बताएंगे बस आपने जो हुआ बस खत्म कहानी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप हमें बताइए जो भी, अगर हमारी गलतियां हो रही हैं आप हमें बताइए, उस पर हम काम करेंगे। धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए, और ध्यान रखिए अपना, घर पर ही रहिए, कोरोना वायरस जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होता, कोरोना वायरस का संकट टलता नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत।